हेलो एवरीवन माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर। सर, आज की वीडियो क्लास में आप क्या बताना चाहते हैं? तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक न्यू अपडेट आया हुआ है। क्या अपडेट आया हुआ है? अपडेट यह आया हुआ है, जो स्टूडेंट 2024 में माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में, अभी उन लोगों का 2 से 3 पेपर कंप्लीट हो चुका है, अभी भी 2-3 एग्जाम उन लोगों का बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम उन लोगों का चल भी रहा है और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्या हो रहा है, न्यू अपडेट जो है आपका लॉन्च किया जा रहा है। तो न्यू अपडेशन क्या है? तो न्यू अपडेट जो है यह है कि इस साल 2024 में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को पास करवाया जाएगा, और इसका मेन वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को नंबर मिलेगा। सर, ऐसा क्यों? अगर कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट सपोज मान लीजिए कि अगर एग्जाम में अगर ना भी लिख के लाएगा तो क्या उसको मार्क्स मिलेगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ, अभी आप लोग का 2-3 पेपर अभी बाकी है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में जो है अपना ओन वर्ड में बना कर लिखें। ठीक है, सेकेंड नंबर आपको भी फिर बता दे रहे हैं कि इस 2024 में सारे स्टूडेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को पास क्यों किया जाएगा, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का जो है आपका सेट पेपर 3, जैसे हिंदी इंग्लिश का जो है 3 सेट बनाया गया है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 सेट में से एक चीज़ देखा गया है, जो सीबीएसई बोर्ड के जो संचालन है माय डियर स्टूडेंट, वो एक चीज़ देख रहे हैं कि कोई सेट पेपर का क्वेश्चन जो है डाउन में गया है, कोई सेट पेपर का क्वेश्चन माय डियर जो था अप में है। मतलब कुछ सेट ऐसा देखा गया है, कुछ सेट का क्वेश्चन पेपर माय डियर स्टूडेंट अप डाउन में, मतलब कोई हार्ड है कोई ईजी है। तो इस वजह से देखा गया है कि उन सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन मान ली जो स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किए हैं तो उनको फुल मार्क्स दिया जा रहा है। अब कुछ स्टूडेंट लोग का मन में ये भी डाउट है माय डियर स्टूडेंट कि सर, मैं उस क्वेश्चन का जो है किताब का जो है आंसर लिखा हूँ तो क्या मुझे फुल मार्क्स मिलेगा? मैं आप लोग को फिर बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट किताब का आंसर अगर नहीं भी लिखे, अगर उस क्वेश्चन को समझ कर कॉन्सेप्चुअल और ओन वर्ड में अगर बनाकर कंपोज करके लिखे हैं, तो आपको बता दे रहे हैं जो स्टूडेंट अगर डिट्टो किताब का जो आंसर लिखे हैं उसकी तुलना में जो है जो स्टूडेंट ज़्यादा ओन वर्ड में लिखा है उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस बार जो है चेकिंग जो है एग्ज़ाम भी इधर चल रहा है और आप लोग का चेकिंग भी चलना चालू हो गया है। क्यों? और आपको फिर एक न्यू अपडेट देने जा रहा हूँ, सीबीएसई जो है अपना न्यू अपडेट फिर से एक नया दे दिया है, क्या कि अप्रैल महीना में जो है आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। सोचिए, अभी एग्जाम चल रहा है तब तक जो है अभी न्यू अपडेट भी आ गया है कि अप्रैल में जो है आप लोग का जो है रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्या कर रहा है, अपने जो है नया जो है, जो आप अभी रिसेंटली सुने होंगे कि साल में जो है 2 बार एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, तो उन लोगों को रिसर्च करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। इधर आपका एग्जाम भी चल रहा है माय डियर स्टूडेंट, और इधर आपका जो है चेकिंग भी चल रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो फिर जो है अप्रैल में कितना तारीख को आपका माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट आउट होगा, मेरे चैनल में अगर नए आए हैं माय डियर स्टूडेंट तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपका उसको भी मैं बता दूंगा। अभी ऊपर से जो है माय डियर स्टूडेंट सीबीएसई की तरफ से माय डियर स्टूडेंट अभी न्यू एग्जैक्ट एक टाइम नहीं बताया गया है कि फर्स्ट वीक में रिजल्ट आउट होगा कि मिडिल वीक में रिजल्ट आउट होगा कि लास्ट वीक में रिजल्ट आउट होगा, लेकिन रिजल्ट आउट होगा। लेकिन अभी सिर्फ मात्र 2 जो है न्यू अपडेट आया है। पहला नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को मार्क्स दिल खोल के मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। इसके कारण यह है कि जो मेरा थंबनेल आप देखे हैं माय डियर स्टूडेंट, कि इस साल सारा स्टूडेंट पास हो जाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्या है कि आपका रिजल्ट के बारे में डिक्लेरेशन कर दिया गया है, जो है आपका अप्रैल महीना में जो है रिजल्ट आउट होगा। तो इस तरह का न्यू जितना भी अपडेट वगैरह माय डियर स्टूडेंट मिलते रहेगा, मैं आप लोग को देते रहूँगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं माय डियर स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट लोग, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सोए हुए हैं, मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ।